हाय गाइज एंड वेलकम टू अर न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, ये है इस ड्राइंग का सेकंड पार्ट और आज मैं ड्रॉ करूँगा इसका बैकग्राउंड और जो सेकंड फिगर है उसको। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जो साइड में एक टेक्सचर है पैटर्न, उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको वर्टिकली लाइंस को ड्रॉ करना है और यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा हैचिंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। आपको यहाँ पर पूरा ब्लेंड नहीं कर देना है, तो ऐसे ही मैं ड्रॉ कर लूँगा इन सभी जो लाइन्स है उनको। उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ म्यूज़िक के आइकन्स को, जो कि यहाँ पे बहुत क्यूटनेस ऐड कर रहे हैं, एक म्यूज़िक का वाइब दे रहे हैं। तो आपको ये ड्रॉ करना है अच्छे से, स्मॉल ड्रॉ करना है और थोड़ा सा डार्क प्रेशर के साथ। तो अभी मैं सेकेंड फिगर को ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया हूँ। यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको डार्क शेडिंग नहीं करना है, नहीं तो वो जो फेस का जो पैटर्न है वो कहीं कहीं गुम हो जाएगा ज़्यादा डार्क शेडिंग के वजह से, क्योंकि छोटा फेस है इसीलिए। और यहाँ पे आपको डिटेलिंग का बहुत ध्यान रखना है, आपको स्मूथ शेडिंग भी करना है। और यहाँ पे अगर आप ज़्यादा डार्क शेडिंग करेंगे तो मैंने आपको बताया कि ये जो फेस है वो काफ़ी ज़्यादा अगली दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा। तो आपको लाइट शेडिंग ही करना है हर जगह पर। बड़े फेस में तो आप कर दिए डार्क सेटिंग, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन छोटे सेटिंग में आपको लाइट सेटिंग करना है। तो अभी मैं जैकेट ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ पे हाईलाइट ज़्यादा दे रहा हूँ मैं और हल्का हल्का सेटिंग कर रहा हूँ क्योंकि ये वाइट क्लॉथ था। उसके बाद मैं यहाँ पे गिटार को ड्रॉ कर रहा हूँ और गिटार में आपको वर्टिकली लाइन एक ही डायरेक्शन में लाइन को ड्रॉ करना है, जिससे एक यूनिफॉर्म मोशन में सेटिंग दिखे और काफ़ी एक आर्टिस्टिक इफेक्ट आए उसमें। तो ऐसे ही आपको ड्रॉ करना है और आगे देखिए वीडियो, जहाँ पे बताना का रहेगा मैं वहाँ पे जरूर बताऊँगा आपको। तो देखिए वीडियो। सो फ्रेंड्स, अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस ड्राइंग का बैकग्राउंड और इसमें मैं यहाँ पे वर्टिकली लाइंस को ड्रॉ कर रहा हूँ, जिससे काफ़ी अच्छा इफेक्ट आए। तो मैं जिस रेफरेंस से ड्रॉ कर रहा हूँ उसमें भी ऐसा ही कुछ है, तो उसी को देख के मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ उसी टेक्निक को। और यहाँ पे ये टेक्निक को अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले पेंसिल को अच्छे से शार्प कर लेना है, जिससे कि आपका वर्टिकली जो लाइंस है वो दिखे अच्छे से, आपका जो टेक्सचर है वो अच्छे से दिखे पेपर पे। और यहाँ पे मैं फिर से म्यूज़िक के छोटे छोटे आइकन्स को ड्रॉ कर रहा हूँ, जो कि मैंने पहले ब्लैक पेंसिल से ड्रॉ किया था। अभी आपको वहाँ पर लाइट सेटिंग करना है, उसके बाद वहाँ पर जो इरेज़र है उससे आपको इरेज कर देना है। और गाइस, फर्स्ट लेयर करने के बाद जहाँ जहाँ पे डार्क एरिया है वहाँ पे मैं और भी ज़्यादा प्रेशर के साथ पेंसिल को अप्लाई कर रहा हूँ, जिससे काफ़ी अच्छा एक कंट्रास्ट वहाँ पे दिख जाए हमको। तो गाइस, हमारा ड्राइंग कंप्लीट होने ही वाला है। तो आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू प्रैक्टिस, डू इम्प्रूव, टेक केयर एंड बाय।